ऑटो एक्सपो 2023 मारुति के पेविलियन पर खड़े हैं और मारुति के पेविलियन में मारुति की तरफ से कौन कौन सी गाड़ियां दिखाई जा रही हैं, ऑटो एक्सपो 2023 में कौन कौन सी गाड़ियां लॉन्च की जा रही हैं वो देखेंगे। सामने देख सकते हैं कि ग्रैंड विटारा लगी हुई है, लेकिन सारा ध्यान लोगों का जो गाड़ी खींच रही है वो हमारे पीछे, आप जिमनी को देख सकते हैं, जिमनी खींच रही है। अभी 11 बजे ओपन होगा पब्लिक के लिए। सबसे पहले आपको ग्रैंड विटारा दिखा देते हैं, लेकिन ग्रैंड विटारा में किसी का ध्यान नहीं है, ध्यान सबका जो आकर्षित हो रहा है वो इधर नई नवेली जिमनी की तरफ में आ रहा है। और फ्रंट से देखिए जिमनी किस तरह से लगने वाली है, बहुत ज़्यादा क्रोम का इस्तेमाल हुआ है, नीचे फॉग लाइट दिया हुआ है। लेकिन आप इसको अगर थार के साथ तुलना करें तो ये छोटू मोटू सा दिख रहा है। मारुति की मच अवेटेड जिमनी 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ में अवेलेबल है। बहुत से सारे लोगों का इंतजार था कि ये कब मारुति की तरफ से लॉन्च की जाएगी। इसका फ्रंट लुक जो है कुछ इस तरह से रहने वाला है, देख सकते हैं कि इस ग्रिल में काफ़ी क्रोम का इस्तेमाल हुआ है, सर्कुलर रेट्रो डिज़ाइन में आपको प्रोजेक्टर लाइट दिए गए हैं, टर्न इंडिकेटर आपको बगल में दिया गया है और नीचे फॉग लैंप दी गई है। नीचे स्किड प्लेट में काफ़ी सिल्वरिश फिनिश दिया गया है, अच्छा सा ट्रीटमेंट दिया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो एक ऑफ रोडर गाड़ियों की आगे की जो बम्पर की लुक होती है कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन दिया गया है, बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। साइड में अगर आते हैं तो कार इस तरह से आपकी रहने वाली है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो टायर सेक्शन आपको मिलता है 195 AT R15 इंच के टायर इसमें आपको मिलते हैं। और इसकी जो अलॉय है गन मेटल स्टाइल में दिया गया, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अक्रॉस दी कार जो है ना आपको ठीक बॉडी क्लेडिंग मिल जाती है, बहुत ही शानदार। ऊपर में आपका जो टर्न इंडिकेटर है वो नहीं मिलता है, फेंडर में दिया जाता है। ORVM जो है वो इस तरह के डिज़ाइन में मिलता है। ऊपर आप देख सकते हैं कि रूफ रेल दिया हुआ है और बड़ी बड़ी जिमनी यहाँ पर जो है ब्रांडिंग की गई है, देख सकते हैं। और ये बॉडी साइड क्लेडिंग कुछ इस तरह से दरवाज़ों पर मिल जाती है, बहुत ही शानदार। एक बार इसका पीछे का लुक आपको दिखाते हैं किस तरह से ये लगने वाली है। ये देखिए इसका जो स्पेयर व्हील है पीछे दिया गया है और इसकी जो टेल लाइट है नीचे मिल जाती है। और यहाँ पर आपको जो है ना चार रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, यहाँ पर नंबर प्लेट की जगह है, ऑल ग्रिप का यहाँ पर बेजिंग आपको मिल जाता है, ऊपर हाई माउंट स्टॉप लाइट, ऊपर में एंटीना आपका जो है वो, फिर यहाँ पर आपको जिमनी की बेजिंग और आपका टेल गेट खोलने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर, और ऊपर कुछ इस तरह से मिलता है, साइड से मैंने आपको दिखा दिया है। और इसमें अंदर जाने की अभी परमिशन नहीं है, नहीं तो मैं आपको अंदर से भी दिखाता। लग ही नहीं रहा कि ये एक ऑफ रोडर कार है। ये देखिए ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। और अगर इसका जो रूफ रेल है उसको हटा देते हैं तो ये और ही छोटू मोटू सी दिखाई पड़ेगी। पीछे से इसका लुक जो है कुछ इस तरह से रहने वाला है। जो भी है, इतने दिनों से लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वैसी नहीं लग रही है जैसी लोग इसकी उम्मीद लगा के बैठे थे। और दूसरी कार यहाँ पर आपको मारुति की तरफ से, किसी ने इसकी उम्मीद नहीं लगाई थी कि मारुति कोई इस नाम से अपनी कार को लॉन्च करेगी। हालांकि ये अगर देखा जाए तो मारुति की बलिनो ही है, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। और इसमें इंजन दो तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, 1 लीटर इंजन के साथ में और एक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में। 1 लीटर जो इंजन है वो टर्बो चार्ज के साथ में है, जो कि 100 PS की पावर जनरेट करती है, और 1.2 वाली जो है वो 90 PS की पावर जनरेट करती है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये इसका नाम, पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, फ्रॉन्स, ठीक है। आगे की ग्रिल कुछ इस तरह से आपकी रहने वाली है, बीच में आपका मारुति का बड़ा सा सुजुकी का लोगो, और ये ऊपर में DRL देख सकते हैं जो कि LED में है, और नीचे की जो लाइट है वो भी आप देख सकते हैं, हेडलाइट जो कि आपकी LED में दिया गया है, और ये 3 यूनिट में दिए गए हैं। नीचे का जो स्किड प्लेट है वो सिल्वरिश फिनिश में दिया गया है। एक बार इसका रियर का लुक आपको दिखा देते हैं, काफ़ी खूबसूरत ये कार लगने वाली है। और मैम थोड़ा सा, और इसकी टायर साइज आप देख सकते हैं 195 60 R16 इंच के टायर इसमें मिल जाते हैं, और ये डायमंड कट अलॉय जो है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और टायर की साइज़ जो है ना बहुत ही सही है। और अक्रॉस द कार जो है इसमें बॉडी क्लेडिंग देख सकते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस मुझे जहाँ तक लगता है कि 175 180 mm होगी। और साइड में जो प्लास्टिक दिया गया है इस कार को काफ़ी रगेड फील करा रहा है। ऊपर टर्न इंडिकेटर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ORVM में मिल जाता है, और अभी जो है यहाँ पर लाइट चली गई है, और इसमें जो है आपको अराउंड व्यू कैमरा भी मिल जाता है, चूँकि जो टर्न इंडिकेटर है उसके नीचे वो दिख रहा है। डोर पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है जिससे आप इसको
काफ़ी खूबसूरत लग रही है। एक बार इसका पीछे का लुक आपको दिखा देते हैं किस तरह से रहने वाली है। इधर से भीड़ है, मैं उधर से जा करके आपको दिखाता हूँ। रहने वाली है, ये देख सकते हैं, आपको स्पॉइलर बड़ा सा मिल जाता है, रियर डिफोगर, रियर वाइपर और साथ ही साथ पीछे की जो लाइट है, कनेक्टिंग लाइट कंपनी ने दी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और नीचे का जो स्किड प्लेट है वो भी शानदार लग रहा है। और मारुति जो है अपनी कारों में 4 पार्किंग सेंसर देती है, तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। क्वार्टर ग्लास जो है कुछ इस तरह से आपका रहने वाला है। तो ये थी मारुति की तरफ से नई बलिनो, आप जिसको कह सकते हैं, 2 तरह के इंजन के साथ में कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। और क्या कुछ अंदर का स्पेस है, अगर मुझे अंदर जाने की परमिशन मिलती है तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। अलॉय छोटे हैं, 16 इंच के हैं, 16 है। ये अंदर का लुक कुछ इस तरह से रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी भीड़ है तो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और इसकी अंडर थाई सपोर्ट जो है ना अच्छी लग रही है, साथ ही साथ यहाँ पर फैब्रिक सीट का इस्तेमाल किया गया है तो बहुत ही अच्छी है। और आगे मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड रहने वाला है, आपका 10 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। आपकी जो स्टीयरिंग है वो आपको जो नॉर्मल बलिनो में दी जाती है सेम टू सेम रहने वाली है, बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा नहीं। और ये 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में आ रही है। और डैशबोर्ड की डिज़ाइन कुछ इस तरह से आपकी रहने वाली है। आगे की सीटें जो है काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस लग रही है, बढ़ी हुई है, साइड से इसको देख लीजिए। और पीछे से कार जो है इस तरह से लगने वाली है। मारुति की तरफ से एक नई यहां पर कार दिखाई गई है। लोग इसको बलिनो क्रॉस बोल रहे थे, लेकिन बलिनो क्रॉस ना होकर के ये प्रॉन्स हो गई है। 2 इंजन के साथ मिलने वाली है, 1 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। 1 लीटर पेट्रोल इंजन जो है वो टर्बो के साथ रहेगी, जो कि 100 PS की पावर जनरेट करेगी, और जो 1.2 लीटर है वो 90 PS की पावर जनरेट करेगी। और इधर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बलिनो दिखाई गई है, जिसको दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर सियाज दिखाई गई है, और क्या क्या है आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर XL6 है, साथ ही साथ इधर में आपको ग्रैंड विटारा का मैट ग्रे कलर दिखाया गया है। अब पता नहीं ये रियल लाइफ में आएगी भी या नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल में ये जो कलर है बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर जिमनी का एक और कलर दिखाया गया है, और ये तो और भी छोटी लग रही है। मैं बता रहा था आपको कि रूफरेल अगर हटा दिया जाए तो ये एकदम छोटू मोटू सी दिखेगी। ये देखिए बहुत ही छोटी लग रही है। टायर तो और भी पतले पतले दिए गए हैं। मज़ा नहीं आया इस कार को देख करके। लोग जिस तरह से इसकी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, कुछ खास है ही नहीं। यहाँ पर फिर से एक बार प्रोनाउंस, जो भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। और मारुति की गाड़ियों की फेमिलियर लुक जो है वो बदल चुकी है। अब ये ग्रैंड विटारा की लुक में सारी गाड़ियाँ आ रही है। ऊपर में आप देख सकते हैं DRL, नीचे लाइट देख सकते हैं, इसकी प्लेट दी गई है। और ये डायमंड कट जो है अच्छा ही लग रहा है। ऊपर में रूफरेल वगैरह सारा चीज़ मिल जाता है। बाद बाकी मारुति के पास और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से वही प्रॉन्स, एक बार जो है इसका बूट स्पेस देख लीजिए कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाद बाकी यहाँ जिमनी, और यहाँ पर ब्रेजा दिखाई गई है, ये भी मैट कलर में है, मैट ग्रे कलर आप इसको बोल सकते हैं। ये देखिए इसकी DRL काफ़ी खूबसूरत लग रही है, नीचे फॉग लाइट। और एक बार इसका पीछे से दिखा देते हैं आपको, ब्रेजा का CNG वेरिएंट भी लॉन्च किया गया है। ये देखिए ऊपर शार्क फिन एंटीना, डिफोगर, रूफरेल, और यहाँ पर आपको अर्टिगा, ठीक है। और इधर में फ्लेक्स फ्यूल के साथ में मारुति ने यहाँ पर अपनी
वैगनार को दिखाई है, ये देखिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन ऑप्शन के साथ में, और इसकी ग्राफिक जो है ना अलग तरह से की गई है, बहुत ही सुंदर लेकिन लग रहा है। एक बार इसका फ्रंट आपको दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पर सुजुकी का लोगो और यहाँ पर हेलोजन हेडलाइट, नीचे फॉग लाइट, नीचे स्किड प्लेट, और एक बार इसका पीछे दिखा देते हैं, ये देखिए लुक वाइज किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। ऊपर में स्पॉइलर है और नीचे वैगनार लिखा गया है, और फ्लेक्स फ्यूल की ब्रांडिंग, टेल लाइट का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। और एक बार अंदर दिखाते हैं आपको, ये देखिए रियर की सीट, और एक बार फ्रंट की सीटें दिखा देते हैं। डैशबोर्ड वगैरह देख लीजिए, टच इंफोटेनमेंट सिस्टम सेम, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी अंतर आपको नहीं मिलेगा। गियर बॉक्स सेम वही है, केवल फ्लेक्स फ्यूल के साथ में ये डोर ट्रिम्स कुछ इस तरह से हैं, और बगल में जो है लगी हुई है, ग्रैंड विटारा, ठीक है, और ये ग्रैंड विटारा का यहाँ टेक्निकल स्पेक्स लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं 1490 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ में, और 92 पीएस की पावर जनरेट करती है, 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ठीक है, और गाड़ी की जो लेंथ है वगैरह सारा चीज़ यहाँ दिया हुआ है। इतना डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि आपने ग्रैंड विटारा को बहुत बार देख चुका है, इसकी डायमंड कट जो है अच्छी लग रही है। तो मारुति के पेविलियन में अगर नई गाड़ियों की बात करें तो वैगनार फ्लेक्स फ्यूल के साथ में, और जिमनी ही नई कार दिख रही है, साथ ही साथ प्रॉन्स, ठीक है, और कुछ ऐसा है नहीं,